सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और देश के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने अचानक से कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। कांग्रेस के G23 के प्रमुख बागी रहे कपिल सिब्बल ने बड़ी खामोशी के साथ कांग्रेस छोड़ दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ने का खुद ऐलान किया। सिब्बल ने खुलासा किया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा का नामांकन भरने के बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। मैं अखिलेश यादव का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा समर्थन किया। मैं आजम खान के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने 16 मई को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ये भी कहा, मैं समझता हूं कि जब एक निर्दलीय की आवाज़ उठेगी तो लोगों को ऐसा लगेगा कि वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। हम विपक्ष में रहकर गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में ऐसा माहौल बने कि मोदी सरकार की जो खामियाँ हैं उसे जनता तक पहुँचाया जा सके। मैं इसका प्रयास करूंगा। कपिल सिब्बल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। बुधवार दोपहर को कपिल सिब्बल ने नामांकन दाखिल किया। साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित किया गया। वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जा रहे हैं। पहला नामांकन हुआ है। राज्यसभा के लिए दो अन्य लोगों के नाम का बहुत जल्द ऐलान होगा। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने में आजम खान का बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है। सिब्बल ने आजम का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था। आजम को बेल दिलाने में कपिल सिब्बल का अहम योगदान है। गौरतलब है कि सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि पार्टी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजती है तो अच्छी बात है। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजे जाने से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। इससे पहले भी वो कपिल सिब्बल की तारीफ करते हुए उनके प्रति आभार जता चुके हैं। आजम ने यह भी कहा था कि रामपुर से वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। कोई भी उम्मीदवार हो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। गौरतलब है कि सिब्बल को हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में बुलाया गया था, लेकिन G23 के बागी रहे सिब्बल वहां नहीं गए। तभी से कयास ये थे कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। G23 कांग्रेस के पार्टी नेताओं का एक समूह है। इन नेताओं ने पिछले साल पार्टी नेतृत्व उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। इन नेताओं ने जल्द से जल्द संगठन चुनाव कराने की मांग भी की थी। इसमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद समेत कई बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल थे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।